तो हेलो यार, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले गाइज कि आप तो बहुत बार सुने होंगे कि गाइज दिमाग में इतने ज्यादा वोल्टेज या विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अच्छा, जिससे आप किसी भी बॉल को सिखा दिया है। तो आज गाइज यही चेक करने वाले हैं कि क्या सच में दिमाग से विद्युत बल्ब या कोई भी चीज जल सकता है या नहीं सकता है। तो उसी को आज ट्राई करेंगे गाइज। तो फटाफट चलिए बिना किसी तरीके से तो गाइज आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने गूगल पे सर्च मार के बल्ब को दिमाग से जलाया जा सकता है। तो उसमें जी हाँ बोला, उसने गूगल में हाँ बोला है। साफ साफ 20 से 30 वाट तक बल्ब को आप जला सकते हैं। तो गाइज आज चेक करने वाले यही है। तो फटाफट गाइज इस चीज को शुरू करते हैं बिना किसी देर। दिमाग 10 से 30 प्रतिशत पावर बनाती है इतनी कि बल्ब जल सके। तो गाइज ये रहा हमारे पास एक टेस्टर, क्या इसे हम चेक कर सकते हैं गाइज। तो फटाफट चले गाइज इसको टेस्ट करते हैं। हमको तो नहीं लगता यार होता है, लेकिन गाइज चलिए इसको टेस्ट कर कर देखते हैं क्या बता पाता है कि नहीं। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन। तो गाइज ये जो हमारे घर पे नॉर्मल टेस्टर था वही है। ये स्टूपिड सा सवाल है कि हम इससे चेक करने वाले हैं, इससे चेक नहीं करने वाले, बस हम इससे बस टेस्ट करने वाले हैं क्या ये बता पाता है। जैसे हमारे दिमाग में भी अगर चलता है विद्युत धारा तो वो बता देता है, जैसे ये बोर्ड में बताता है क्या ये भी बता सकता है। वही को हम चेक करने वाले, पहले इसे बस ट्राई करेंगे चाहिए लेकिन गाइज देखते हैं। तो यार ये जब तक नहीं काम करता, जब तक इसके सिरे पे एक कोई तार सटाना हो तब तक ये काम नहीं कर सकता। तो लेकिन हमें एक ऐसा इसको टेस्टर लेना होगा जो ऊपर ही ऊपर बता दे बिना टच किए। तो गाइस उसके लिए हमारे पास एक टेस्टर है जिसको, चलिए उसको उससे चेक कर कर देखते हैं गाइस, देखते हैं गाइस। तो इससे तो काम नहीं बन पाया लेकिन उससे करेंगे, देखेंगे। तो यारो ये है हमारे पास एक डिजिटल टेस्टर जो बिना तार में सटे, तार से बहुत ऊपर तक आप ले जाइएगा तो ये बता देगा बिना। इसका पेन का स्ट्रक्चर जैसा है ये भी, और इसके अंदर 2 बैटरी हमको फ्री में मिल गया है। काम नहीं पड़ेगा, बैटरी का पैसा बच जाएगा। लेकिन गाइज इसको जैसे मैं कोई भी विद्युत धारा चलती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को डिटेक्ट कर बताता है गाइज। तो इसी को आज चेक करने वाले हैं अपने दिमाग के साथ। तो गाइज ये वाला यहाँ पे हमारे साथ खुल चुका है। यहाँ से आपको 2 बैटरी इसमें लगा देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं नॉर्मल तरह से लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर भी है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और गाइज इसको आप ऐसे इसको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हैं इसके पास एक बल्ब भी है जो आप रात को इस काम कर सकते हैं, रात को देख सकते हैं। तो आपको चलते हैं इसको दिखाने कैसे काम करता है। जैसे ही हम यहाँ पे गाइज अपने टेस्टर को लाते हैं, इसके अंदर लाइन है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये कैसे बताने लगा, ऐसे ही बिना तार में सटे ऊपर से ही बताने लगा गाइज कि इसके अंदर बिजली। तो इसी से गाइज आज हम चेक करने वाले हैं, क्योंकि दिमाग से अगर ऊपर ही हमारे दिमाग में अगर ये बता देता है तो बहुत बढ़िया काम है, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। लेकिन चलिए गाइज इसको चेक करते हैं क्या होता है। यार चलिए फटाफट इसको हम चेक करके देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि होगा कि नहीं होगा। ये एक डिजिटल टेस्टर आप तो देख ही सकते हो। चलो फटाफट चालू करते हैं इसको, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंट डाउन, और यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3। गाइज तो इससे तो कुछ हो नहीं रहा, देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई सिग्नल भी नहीं दे रहा है इसमें से। तो चलिए इसको और भी हम दौड़ ओड़ कर या कुछ होमवर्क कर कर उसके बाद चेक करते हैं क्या गाइज ये हो पाता है कि नहीं। तो चलिए गाइज यहाँ पे मेरे पास जो टेस्टर हमने ले लिया है इसको बगली में रख लेते हैं। और गाइज चलिए फटाफट अब हम अपना रेसिंग शुरू करते हैं। यहाँ से हम दौड़ेंगे कुछ देर और उसके बाद गाइज इस टेस्टर से चेक कर कर देखेंगे क्या होता है। तो यार आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हो तो, और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दे अगर आपने नहीं किया तो। अगर आप वीडियो देखकर चले जाते हैं और लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम आगे करते हैं जो करना है। तो यार थोड़ी देर दौड़ने के बाद गाइज देख सकते हैं हमने थोड़ा देर दौड़ा और इससे चेक करते हैं। तो गाइज तो यहाँ पे चेक करने के बाद तो गाइज कुछ बता भी नहीं रहा, लेकिन चलिए गाइज होमवर्क कर कर देखते हैं क्या होता है। यार जो हम कोई भी रैंडम सा किताब ले लेंगे जो हमें ज़्यादा मुश्किल लगता हो या कुछ भी, तो उसी से आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो हम चले गाइज इसको आज हम रेडी करते हैं पढ़ने के लिए। एक चैप्टर भी हम खोल रहे हैं और उसके बाद चले गाइज इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 10-15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद गाइज चेक करेंगे क्या होता है। If I were to see,
हमने एक घंटा किसी तरह काट लिया और हमने पढ़ लिया है। और चलिए फटाफट गाइस इसको हम ट्राई कर देखते हैं क्या होता है आज। तो आज ये लाखरी एंड आखिरी चांस से ये हो पाता है कि नहीं होता है। तो चलिए फटाफट बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ।